बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर साइंस टीचर ऑफ अल कादिर स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर एंड द चैप्टर इज वाटर। वाटर मीन पानी। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इस पिक्चर में आपको दुनिया का मैप नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ आपको ब्लू नज़र आ रहा है, वो सारा के सारा वाटर है, यानी कि पानी है। और जो थोड़ा बहुत ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है या येलोइश पार्ट जो नज़र आ रहा है, वो हमारा लैंड यानी ज़मीन पर है। ये वो हिस्सा है जिसमें इस पूरी दुनिया के तकरीबन 200 के करीब ममालिक आबाद हैं, और बाकी ये पूरा हिस्सा पानी है। अब ये जो 70% पानी मौजूद है, इस 70% में से जो 97% पानी है वो ओशियन वाटर यानी कि खारा या नमकीन पानी है। आप अक्सर सी साइड्स पर गए होंगे। सी साइड का जो पानी होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता होगा, जिसमें वाइट कलर की झाग बन रही होती है। ये झाग जो है ना, खारेपन की वजह से होती है, यानी जो उसका नमकीन। अब कभी अगर समंदर का पानी आपके मुंह के अंदर गया हो, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, और उसके इसी नमकीनपन की वजह से जो है ना, ये झाग बन रही होती है। यानी कि पूरी दुनिया में आप सोचिए, जितना भी पानी है उसमें से 97% खारा है, यानी आपके वो पी नहीं सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। और बाकी का जो रिमेनिंग 3% है, यानी सिर्फ 3% पानी इस दुनिया में मीठा है, या जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जो हम पी रहे होते हैं या जो हम अपनी दीगर सहूलियात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ्रेश वाटर या मीठा पानी जो हमें दरियाओं से, झीलों से, ऐसी जगहों से मिलता है, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। अब इस फ्रेश वाटर जो सिर्फ और सिर्फ 3% यानी 3% है हमारे पास, उसमें से भी 2% वो फ्रीज है, यानी कि वो ग्लेशियर्स की या फिर बर्फ़ की सूरत में दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर जमा हुआ है। हमारे पास जो मौजूद है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। अब वो 1% फ्रेश वाटर पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करें अपने मुख्तलिफ कामों के लिए। अब आप सोचें, दुनिया में इतना सारा पानी है, लेकिन फिर भी जो है ना, हमें पानी मैसर नहीं। ख़ासकर हम लियारी में रहते हैं, हर दूसरे दिन हमारे पास जो है ना, मीठा पानी अवेलेबल नहीं होता। ये नहीं, मीठा पानी लाइन में नहीं आ, ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि फ्रेश वाटर वैसे ही अवेलेबल कम है, और फिर लोगों को पता है कि जो है ना, आपको पता है कि मौके से फ़ायदा उठाने वाली कौम है हम। खैर छोड़ें तमाम बातों को, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो वाटर है, इस दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी के बगैर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। अब ज़रा सोचिए, जब हम रमज़ान का महीना होता है, हम रोज़े में होते हैं, 14-15 घंटे तक हम रोज़े की हालत में होते हैं, जिसमें हम पानी नहीं पीते, तो एंड में हमारी सिचुएशन कैसी होती है। जैसे अभी हम बेहोश हो जाएंगे, अभी हम गिर जाएंगे। आप सोचिए, ये पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, मुरझा जाएंगे और फिर वो मर जाएंगे। सेम इसी तरह से जानवर हैं, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। सेम हमें भी पानी चाहिए, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। पानी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें डिस्कस करना है सोर्सेस ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर यानी वो कौन सी कुदरती जगहें हैं जिनके ज़रिए हमें पानी मिलता है। नंबर फर्स्ट है ओशियन। समंदर सबसे बड़ा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि समंदर में या ओशियन में 97% पानी है दुनिया, तो सबसे बड़ा सोर्स तो हमारा ओशियन है। ये हमारा, अगर हम
खारा पानी पीते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब बेकार है या हमारे काम नहीं है। इससे बहुत सारी ये ओशन का जो वाटर है ये भी यूटिलाइज होता है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी प्रोडक्शन वगैरह में। बाकी के जो चार आपको नज़र आ रहे हैं, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, लेक्स यानी कि झीलें, रिवर्स यानी कि दरिया, स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ, ये तमाम हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं। यहाँ यानी यहाँ से हमें मीठा पानी मिलता है। उनके अलावा हमें आइसबर्ग यानी जो पानी का बर्फ़ का पहाड़ होता है जो समंदर के बीच में मौजूद होता है, आप इस पिक्चर में देखें आपको एक पहाड़ टाइप नज़र आ रहा होगा लेकिन ये बर्फ़ है यानी कि पानी का है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर आइसबर्ग क्या है हमने नहीं देखा, तो ये आइसबर्ग पिक की पिक्चर है। इसके ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स हैं। आइसबर्ग पानी के अंदर थे जबकि ये पानी के बाहर हैं। और वेल्स यानी कि कुएं, ये तमाम के तमाम हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर हैं। सोर्सेस यानी वो तमाम प्लेसेस, वो तमाम ज़राए जहाँ से हमें पानी मिलता है या मिल सकता है। आई होप आपको वाटर और वाटर के सोर्सेस अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।